नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। अखिलेश जी, चाचा सतपाल यादव नामांकन में क्यों नहीं आए? सतपाल जी को नहीं आने के लिए जो आलोक साथ के भाई कैमरा भाई पीछे कर ले, राजनायक बाथम जी और हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं एच हासमी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है, यही प्रस्तावक हैं हमारे। और तेज प्रताप जी चौथे पे जो हमारा पर्चा भरा जाएगा उसके प्रस्तावक हैं। तो आज बहुत सादगी के साथ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं, जब नेताजी नहीं है तो हम सब दुखी हैं। इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया और वो हम लोग पर्चा भरे। बीजेपी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है जी, आशीर्वाद मिला? मैं भाजपा के लिए कुछ नहीं कहूंगा। चाचा साहब ने लिया, कई लोग उम्मीद थे। मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। आपकी बात कितने मतों से जीत सकती है आपको? सबसे ऐतिहासिक जीत हो। अरे यार मोबाइल पीछे कर देना। कोई प्रत्याशी भारी पाएगी? भारी पाएगी आप? मुझे तो मोबाइल ये नेताजी की सीट रही है। इतना विकास आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है, जनता जानती है कि नेताजी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए टिम्पल काम करेंगे। नहीं सारे नेताजी की सहानुभूति जिस तरीके से दिया यार, हमको भी चाहिए, मत जाइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में क्या कर रही है भाई साहब, पूरा देश जानता है। इतना अन्याय, इतना अपमान, इतने झूठे मुकदमे कभी नहीं लड़ सकते थे। और लोकसभा चुनाव भी आपने देखा था, आज भी वीडियो है सबके पास। आप लोग प्रेस के लोग हैं, आपके पास भी वीडियो होंगी कि किस तरीके से प्रशासन के माध्यम से लोगों को वोट नहीं डालने थे। ये रामपुर में जिस गली से लोग वोट डालने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने पूरी शक्ति लगा करके वोट नहीं डालने दिया। सर क्या कारण रहा जो आप कई जगह उपचुनाव हुए वहाँ पर आप प्रचार करने के लिए नहीं गए, यहाँ आपका गढ़ है, कर्म भूमि है नेताजी की, सब कुछ आपका 33 साल का गढ़ रहा है, कोई कभी हला नहीं पाया है? 2014 की बात कर रहे हैं, 19 में चुनाव प्रचार में अध्यक्ष जी लगातार सांसद प्रताप यादव का मैनपुरी से नाम चल रहा था, अचानक से नाम हट गया और डिम्पल जी का नाम आ गया, इसका क्या? ये आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, इसलिए आप अपना सवाल अपने पास रखें। सांसद जी के नाम सभी लोगों ने पार्टी के लोगों को किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बात नाम तय आप मैनपुरी के हो और बहुत अच्छा हमारे बधाई आपको और आपको मैं चुनाव प्रचार केंद्र से आया हूँ। इसी से कुछ नहीं कह रहे, जनता का चुनाव है, नेता जी का चुनाव है, मैनपुरी के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये सब जानते हैं साधन। यहाँ पर इसमें पूरा प्रशासन मदद करने जा रहा है समाजवादी पार्टी की, इसमें क्या छिपा हुआ है?
और ये चुनाव नेताजी का चुनाव, सवाल प्रशासन का नहीं है, सवाल सरकार का नहीं है, जनता यह जानती है कि विकास किसने कराया है। आप पूरा मैनपुरी घुमाइए, जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे बताए वो क्या विकास किए होंगे मैनपुरी का। सर लोकसभा का चुनाव जनवरी 2022 की जो लिस्ट, मैं धन्यवाद देता हूँ आपसे। जी।